अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ खैरियत से हैं। और मेरा नाम है रजा सत्तार। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा, ये है आईपॉड शफल, जिससे मेरे ख्याल से आप डाटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें या शफल कर सकते हैं। और ये वो है, वो फुट पे नेल पेंट लगाने के लिए जाने पे सारी फिंगर्स ऐड करके थे। ये भी आपको 2 रुपये ग्राम में मिल जाएंगे। आगे ये कुछ नेल कटर हैं, ये भी आपको 2 रुपये ग्राम में मिल जाएंगे। कुछ बड़े साइज़ में हैं और कुछ छोटे साइज़ में हैं, डिफरेंट यहाँ पे पड़े हुए। और ये है आई थिंक ये क्रूजर। अच्छा क्रूजर, ये है क्रूजर, ये भी आपको ओनली 2 रुपये ग्राम में मिल जाएगा। आगे ये सीजर्स हैं और ये भी साइज़ में। ले अब हम किड सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ पे सारे ये टॉयज हैं। और इनसे प्राइस अभी कंफर्म करते हैं किस प्राइस में। ये सब हैं 800 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ पे ये कुछ वॉचेस पड़ी हैं, ये टेबल अलार्म बट ये बहुत टेबल असहाल लग रही है। और ये कुछ टॉयस हैं और ये सब आपको 800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। ये बहुत लाइट वेट है, इसके अंदर तो अगर किलो के हिसाब से चढ़ने जाएंगे ना, फिर कम अज़ कम ये मेरे ख्याल से एक डोरी बन जाएगी आप लोगों को। यकीन माने ये मेरे ख्याल से शायद ये कुछ ग्राम में है। 100 ग्राम का होगा, नहीं 100 ग्राम भी ज़्यादा है, 50 ग्राम होगा। 50 ग्राम बहुत लाइट वेट है और आपको 800 रुपये किलो में मिल जाएगा। ऐसी ये कुछ बड़ी गाड़ी है, ये लो इसका भी वेट नहीं है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। और ये भी आपको 800 रुपये किलो। ऐसी ये बच्चों के कुछ ये टॉयस हैं, ये सब आपको 800 रुपये किलो। अच्छा जी, बड़ा ट्रक, इसका वेट है तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 500 ग्राम है। ये भी लाइट वेट ही है, इतना वेटेड नहीं है। और ये भी आपको 800 रुपये ग्राम। ऐसे ये आप देख सकते हैं क्रेन, ये भी रखी हुई तकरीबन 800 रुपये में 2 बन जाएंगी इजीली। और यहाँ पे बड़े मेगा ट्रक का नहीं भाई, फरारी की सवारी, ये भी आपको 800 रुपये ग्राम में मिल जाएगी। इसका भी वेट तकरीबन 800 रुपये किलो, तकरीबन मेरे है 500 ग्राम है ना, किलो में 2 होंगी। ये भी एक किलो में आपको 2 मिल जाएंगी, बिल्कुल लाइट वेटेड। ऐसे ये एक बड़े ट्रक है, ये ना भाई 2 हो जाएंगे, बिल्कुल लाइट वेटेड है। और ये है डॉल, ये आपको मेरे ख्याल ये भी 800 रुपये किलो, ये भी आपको 800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल्स बॉलिंग भी है, ये भी आपको 800 रुपये ना किलो के हिसाब से मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये फ्रेशनर्स हैं और ये भी आपको 800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। ये आगे क्रॉकरी आ गई है, बकेट्स का एक पूरा सेट है, ये भी 800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। ये भी 800 है ना, ये बकेट्स भी आप देख सकते हैं, ये भी सारी 800 रुपये किलो। अगर बड़ा साइज है ये बकेट का, तो ये 800 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। अच्छा जी, ये डिफरेंट किस्म की अब नाइफ आ गई हैं, ये आपको अच्छा ये फ्रिज में रखने से तेज़ होती हैं, ये सबसे मजे की बात है। ये बड़ी मजे की चीज़ भी है इसमें कि फ्रिज में रखने से तेज़ होती है, फ्रिज में रखने से ये तेज़ हो जाती है। और ये आपको 1500 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसमें बड़े प्यारे से हार्ट भी बने हुए, इससे आपको पता चल जाएगा। और ये एक नई चीज़ ही पता चली है, पहले हम लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। और ये देखिए, ये सब आप फ्रिज में रखें और इसको तेज़ करें, कैसा नाइस यार। ये तो और अच्छा जी, नॉन स्टिक आ गया, ये भी मेरे ख्याल से 800 रुपये किलो के हिसाब से, ये भी 800 रुपये, ये भी 800 रुपये किलो के हिसाब से है, नॉन स्टिक है। इसका वेट है 1800 रुपये किलो में भी मिलते हैं। और कहाँ पे है ये? साथ वाले में, ये हमारे साथ। अगर आपको घर बैठे कोई ऑर्डर करता है तो आप उनको डिलीवर कर देते हैं? हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उनको खुद ही आना पड़ेगा। अच्छा, विज़िट खुद करना पड़ेगा। चलें, ये तो फिर आपको विज़िट खुद करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
इसमें क्या ये चकना बेलना है जो खाना रोटियां वगैरह बनाने का काम आता है, ये 500 रुपए किलो स्टील में है। अच्छा ये स्टील में है जी, सही हो गया। यह सर स्टील में और आपको सिर्फ 500 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी क्या है? जैसे वो एक ये इसके साथ और दूसरे जो लकड़ी के होते हैं वो गिरने की वजह से टूट जाते हैं, ठीक हो गया। ये टूटते नहीं है स्टील के, इसको कुछ भी नहीं होना, ठीक हो गया। सही। और ऐसे आप देख सकते हैं ये फ्राई पैन है, ये भी पिज्जा पैन है और ये आपको 800 रुपए किलो के हिसाब से नॉन स्टिक है। ये भी ऐसे वो आप पीछे देख सकते हैं कढ़ाई कुछ पड़ी हैं, ये भी आपको 800 रुपए किलो के हिसाब से। वो सामने आप देख सकते हैं फ्रायर पड़े, ये बल्कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो जो बाहर फूड आइटम जो फास्ट फूड का जो काम करते हैं ना, वो यहाँ से इजीली चीज़ों को जो है ना बाय कर सकते हैं। बड़ी अच्छी प्राइस, बहुत रीज़नेबल प्राइस है 800 रुपए किलो के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं ये पतीलियाँ भी आपको 800 रुपए किलो में मिल जाएंगी। और ये कुछ स्पून है, ये स्पून अच्छा ये फ्री में मिलेंगे साथ में, किसी के साथ। अच्छा अच्छा ये 800 रुपए वो पतीली के साथ ही आपको 800 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही रेट में आपको ये दो चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे ये कुछ नाइफ देख सकते हैं, ये आपको 1000 रुपए किलो मिल जाएंगी। ये देखने में आपको एक उठा के दिखा देता हूँ, और ये नायलॉन की है, ये आपको 1500 रुपए में मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप इसका पैक, मोस्टली हम लोग ये इम्पोर्टेड है, भी यूज़ कर सकते हैं ना, खूबसूरत होती है। ओह हो, यहाँ पे आ गए ब्रश, ये सिर्फ 2 रुपए ग्राम जी अहमद। ये 15-20 रुपए में मिलेगा आपको, जो हमारा अमूमन 40 रुपए का मिलता है ये कोलगेट का। हाँ हाँ, ये आपको रीजनेबल प्राइस में सिर्फ 15-20 रुपए का मिलेगा, जो 2 रुपए ग्राम में है, ठीक है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं ये कुछ कुकिंग आइटम्स है, जो आपको कढ़ाई वगैरह और ये सब नॉन स्टिक पैन्स हैं, सब के सब नॉन स्टिक पैन्स। ये क्या है? ये है इम्पोर्टेड सीजर, और ये 3 रुपए ग्राम। तो ये कितने की बन जाती होगी? सर ये 500-600 की बनी हुई है। 500-600 की बनी है। अच्छा अच्छा, ये वजीराबाद से भी ऊपर है। सही सही, सीज़र तो बहुत बेहतरीन लग रही है भाई। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये हरी मिर्ची, धनिया, प्याज काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सब्जी वगैरह काटने के लिए हरी मिर्च, धनिया वगैरह। और ये कैसे ग्राम है? 2 रुपए ग्राम है ये भी, सिर्फ 2 रुपए ग्राम। तो ये राउंड अबाउट कितने की बन जाती होगी? ये सिर्फ आपको 100-150 रुपए में मिल जाएगी, और इम्पोर्टेड माल है ये, सब्जी वगैरह काटना। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर बच्चे वगैरह पकड़ते हैं तो आप इसको चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं, ये ओपन नहीं होगा। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये लॉक खोल के आप इसको यूज़ इजीली कर सकते हैं, और आपको सिर्फ 2 रुपए ग्राम में मिलेगा। ये लेते हैं ना हम लोग भी अपने लिए, लेते हैं एक टोकरी लेते हैं। ये नहीं, एक चीज़ तो अहमद ने बुक कर ली है। और ये भी कुछ नाइफ वगैरह पड़ी है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। हमारी ये स्पेशल है, जो ईद पे हम खाल वगैरह उतारने के लिए जो सब फेल है इनके आगे। हाँ, ये प्योर स्टील की इम्पोर्टेड है। कैसे ग्राम? 2 रुपए ग्राम है ये सारा माल। ये सिर्फ 2 रुपए ग्राम काटने के लिए भी यूज़ हो जाता है सर। खाल वगैरह काटने के लिए कांटे हैं, जिसके आप अपना गर्मा खा लें, सेब खा लें, कोई भी चीज़ उसको उठाने के लिए। अच्छा, ये फ्रूट वगैरह काट के उसको उठाने के लिए ना, ये कांटे इसके कलर में कलरफुल भी हैं सारी चीज़ें। ये सब आपको आइटम सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए ग्राम में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ सेल चार्जर पड़े हैं, जो आप बच्चों के टॉयस वगैरह या फिर DSLR कैमरे का जो बैटरी से आप उसको चार्ज कर सकते हैं, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्लासेस के फ्रेम भी पड़े हैं, मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ, डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट थीम बनी हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रुपये ग्राम में मिल जाएंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, ये टाइम पीस। अच्छा, ये है डिजिटल टाइम पीस, और ये आपको कैसे? ये भी सिर्फ 2 रुपए ग्राम। तो ये राउंड अबाउट हो जाएगा कोई 230
हाँ 230-250 का आपको ये ना मिल जाएगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। ये देख भाई यार, ये ना थोड़ा ये डिजिटल वॉच, ये ले देखिए अहमद साहब ने शॉपिंग कर ली है, एक शैम्पू ली है और एक सब्जी कटर ली है, सब्जी कटर ली है और एक नाइफ भी ली है, नाइफ गिर गई इसमें। ओहो अच्छा, ये हैं बच्चों की स्लाइम्स जो आपको सिर्फ 2 रुपए ग्राम में मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में हैं, ये सिर्फ 2 रुपए। ऐसे ये कुछ फ्रेम्स पड़े हैं, ये भी आपको सिर्फ 2 रुपए ग्राम में मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के ये फ्रेम है और कलर्स भी आपको ना इसमें डिफरेंट मिल जाएंगे सिर्फ 2 रुपए ग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 रुपए किलो में। क्या क्वालिटी है इसकी सर? ये इम्पोर्टेड माल है और प्योर लेदर है, ये प्योर लेदर में और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। इनमें कलर्स और भी होते हैं? नहीं ये ब्लैक है सब। अच्छा इसमें सिर्फ ब्लैक कलर, ब्राउन अच्छा ब्राउन इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, बट ब्लैक अभी पड़ा हुआ है, बट जब आप विजिट करेंगे तब तक शायद ब्राउन आया होगा।